नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग वीडियो री एग्जाम जो वर्ष 2018 में ही विज्ञप्ति निकली थी, परीक्षा भी हुई, कैंसिल भी हुई और उसका पुनः परीक्षा होना है, वो आपकी परीक्षा कहीं ना कहीं प्रस्तावित थी कैलेंडर के हिसाब से मार्च में ही, लेकिन क्योंकि लेट चल रहा है तो वो भी लेट होगी, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन आज का जो सेशन है, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि इस परीक्षा को पुनः कैसे तैयारी करना है। आप सभी जानते हो कि इसमें जो फॉर्म भरे गए थे वो करीबन 14 लाख फॉर्म भरे गए थे, लगभग 10 लाख बच्चे, 9.5 लाख बच्चे परीक्षा को दिए थे और उनमें से सिलेक्शन लेने वाले मात्र 1902 लोग थे, है ना, करीबन 1952 लोग थे, 1953 टोटल उसकी क्या थी, वैकेंसी थी। तो इस चीज़ को समझते हुए कि अब जो फिर से है एक अवसर मिल गया है उनके लिए, जो 1952 है वो तो बात है ही, बाकी जो आपके अगर हम 14 लाख की बात करें तो उनमें से अगर 2000 निकाल लो मतलब 13,98,000 बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये एक अवसर है। और बहुत ही कम ऐसा होता है कि अवसर पुनः आपके सामने आता है, कारण कुछ भी रहा हो, कहीं ना कहीं बहुत सारों के साथ गलत भी हुआ, और लेकिन एक जब अवसर मिलता है तो हमें यह देखना रहता है कि सभी को एक दोबारा से अवसर मिला है, हमें गलतियां सुधारने का मौका मिला है। तो इस चीज को बहुत ही पॉजिटिवली लेते हुए निगेटिविटी तो हर तरफ घिरी होती है, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं, हम एक आशा में होना चाहिए, हमें एक आशा दिखानी चाहिए और होपफुली चीजों को आगे लेके चलना चाहिए। तो उसी के संदर्भ में कि अब जो हमें दूसरा मौका मिला है, तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, सिलेबस पे, पैटर्न पे, बहुत शुरू से जो पिछली बार गलतियां हुई इस पे, पेपर का लेवल कैसा था, पेपर कहां से बना था, सोर्सेस क्या था, किताबें इस बार क्या होनी चाहिए, कोचिंग इस बार क्या होनी चाहिए, टेस्ट क्या होने चाहिए और एक बहुत ही प्रॉपर रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी परीक्षा में सिलेक्शन आपका रणनीति आपकी मेच्योरिटी ही दिलाती है। पढ़ने को तो आपका पूरी सारी किताबें रखी रहती हैं लेकिन वो सारी पढ़ाई आपका सिलेक्शन नहीं करवाती, उनमें से जो समझ जाता है हमें क्या पढ़ने से सिलेक्शन लेना है, एग्जैक्टली उसी का सिलेक्शन भी होता है। और आप सभी जानते रहे हो कि 14 लाख फॉर्म भरने वाले में मात्र 1953 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, मतलब इनका परसेंटेज भी निकालो तो बहुत ही न्यूनतम है, ये बात आप समझ सकते हो। तो क्या होनी चाहिए, एक ऐसी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या सोर्सेस होने चाहिए, सभी के बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि वीडियो का बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग यहाँ पे तैयारी करवाने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो चर्चा करेंगे वो आपके एग्जाम पैटर्न की ही चर्चा करेंगे, और आपके सामने ये मैं पहले से ही लिख के रखा हूँ कि थोड़ा सा समय आपका बचे। तीन भाग इसमें पूछे जाते हैं, एक हिंदी होता है, एक रीजनिंग होता है, एक जीएस होता है, 50-50 होते हैं क्वेश्चन सभी में, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है यानी कि 100-100 नंबर के होते हैं, टोटल 300 नंबर की आपकी परीक्षा होती है और 50% नेगेटिव होता है, मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो एक मार्क्स आपका क्या होता है, निगेटिव चला जाता है, ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं, तो सिलेबस बहुत ज्यादा ओपन करके तो अधीनस्थ नहीं दिया था, इससे पूर्व में नहीं देता था, लेकिन अब जो सिलेबस देता है पीटी वगैरह में देखे होगे या किसी और भी परीक्षा में देखे होगे, अब सिलेबस को ओपन करके दे देता है, मतलब एक एक पॉइंट भी लिख देता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनता है। उस समय 2018 में बच्चों को समस्या भी इसी कारण हुई थी क्योंकि सिलेबस बस ये लिखा था, हिंदी में सामान्य रूप से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, आपके लेखन संबंधी ऐसे होगा, आपके सामान्य अध्ययन का जो उस पर सिलेबस था उसमें लिखा था कि कक्षा 12वीं तक के आपकी सामान्य जानकारी, आपके इर्द गिर्द जो हो रही है उसकी समझ के रूप में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग में आपसे तर्क, इन्फ्रेंसेस, कॉन्क्लूजन इसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, एक जनरल पॉइंट लिख दिया था, उसमें ये नहीं बोला था क्या क्या पूछेगा। बट अगर हम पेपर देखें, पेपर की तुलना करें तो शायद ही कोई ऐसा पार्ट होगा, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम जीएस की बात करें, चाहे हम रीजनिंग की बात करें, जो ना पूछा गया हो। और कारण भी यह है कि उस बार पेपर टीसीएस कराया था, जब टीसीएस कराता है तो बहुत ही एक न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और एक चीज आप और समझिएगा, अगर हम पेपर कोई थोड़ी सी एनालिसिस पुराने लेवल पे करें, है ना, सिलेबस की एनालिसिस करें और उस पर अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बने, पेपर बने, उसकी एनालिसिस करें, तो एक बात हमें समझ में आता है कि एक जमाना हुआ करता था जब फैक्चुअल पेपर हुआ करते थे, फैक्ट बेस्ड पेपर हुआ करते थे। अगर आप वीडियो का पेपर देखोगे 2018 के 2 दिन में 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो चारों शिफ्ट का एक बहुत अच्छा सा एनालिसिस करने के बाद आप एक कंक्लूजन पे निकलोगे कि जो पेपर है उसकी जो प्रवृत्ति है वो कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट बेस पे उठा रहा है। बहुत सारे बच्चे परेशान भी थे कि आखिर कहां से पेपर बन गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो बहुत साफ साफ सभी को बोलूंगा कि जो भी एनसीईआरटी को फॉलो करता है उसके लिए पेपर बहुत ज्यादा इजी था। और एक चीज और था,
एक जो वनडे एग्जाम होते हैं या बोल सकते हो एक दिवसीय परीक्षाएं होते हैं, या ऐसे बोलो समूह गा और घा वाली जो भर्तियां होती हैं उनमें जो प्रश्नों की प्रवृत्ति होती है वो सिंगल फैक्ट बेस होती है। सिंगल फैक्ट कहने का मतलब ये हो गया कि एक क्वेश्चन एक फैक्ट पे पूछा जाएगा, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन होगा, चार विकल्प दिए होंगे एक एक शब्द के, वो सिंगल फैक्ट होते हैं। बट अभी हाल फिलहाल के जो प्रश्न होंगे होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीपल फैक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं। मल्टीपल फैक्ट मतलब इसमें आपके मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं, कूट वाले जो प्रश्न होते हैं, या फिर आपके स्टेटमेंट वाले प्रश्न होते हैं, या फिर आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपके मल्टीपल फैक्ट में आते हैं, जो अभी तक कहीं ना कहीं पहले यूपीएससी, फिर यूपीएससी को कॉपी करते हुए यूपीपीएससी, है ना, संघ लोक सेवा आयोग, फिर राज्य लोक सेवा आयोग, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं अधीनस्थ और अन्य भी जो परीक्षाएं हैं, केंद्र या राज्य हम किसी की बात करें, वहां पे इन क्वेश्चन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। लेकिन आज भी देखा जाए तो इनका जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं क्या है, एनसीईआरटी ही है, और इस बात को समझते हुए चलना चाहिए। ये बात हम समझेंगे कि जो सिलेबस आपका बनता है वो क्या बनता है, ट्वेल्थ बेसिस पे बनता है, और साफ साफ कई सारी विज्ञप्तियों में लिख भी देता है कक्षा 12 कक्षा 10 के एनसीईआरटी के आधार पे। आप पीटी वाला भी सिलेबस देखोगे तो उसमें भी क्या दिया हुआ है कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के आधार पे। तो ये बात समझिएगा कि जो पेपर की प्रवृत्ति होगी वो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द होगी। बट ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें आपको एनसीईआरटी बहुत उठा के सब पढ़ लेना है, सारी चीजें वही मैं बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, क्या नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस का एक मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस हिंदी हो चाहे जीएस हो चाहे आपकी रीजनिंग हो, सब में समग्र रूप से सारी टॉपिक, जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका पत्र लेखन, आपकी जो ग्रामर कौशल है, व्याकरण का संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, जो उपसर्ग है प्रत्यय है आपका, संधि समास, उसके बाद आप वोकैब्स में आओगे तो विलोम पर्यायवाची तत्सम तद्भव देशज विदेशज सारे शब्द पूछे गए हैं, फिर वर्तनी शुद्धि अशुद्धि के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपके पैसेज के क्वेश्चन कंप्रहेंशन के मिले ही मिले हैं, उसके बाद रचनाओं के भी क्वेश्चन आपको एक दो पेपर में मिल जाएंगे, उसके बाद फिर आपका इतिहास से है ना जो हिंदी का है उससे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, साहित्य से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो समग्र रूप से आपकी लेखन शैली चाहे आपकी ग्रामर हो चाहे आपकी वोकैब्स हो, हर पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था और फिर से पूछा जाएगा। दूसरी बात अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में भी लगभग सारे टॉपिक को कवर किया है, चाहे वो इतिहास हो चाहे भूगोल हो चाहे अर्थव्यवस्था हो चाहे राज्य व्यवस्था हो चाहे विज्ञान हो, विज्ञान में कुछ में बायो वगैरह के कम मिले थे लेकिन विज्ञान हो, चाहे आपका जनरल जीके हो, स्टैटिक्स पार्ट हो, जनरल नॉलेज जिसे बोलते हो, या आपका समसामयिक विषय हो या आपका क्या हो उत्तर प्रदेश हो, सभी से समग्र रूप से बहुत अच्छे से पूछा गया था। रीजनिंग में भी देख लें तो चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, एनालॉजी वगैरह क्वेश्चन हो, ऑड वन आउट हो, है ना, सिलॉग से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे, स्टेटमेंट कंक्लूजन इन्फ्रेंसेस मिरर इमेज वाटर इमेज, लगभग हर कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन सारे टॉपिक से कोई ही टॉपिक शायद रहा होगा जो छूटा हो, इनपुट आउटपुट जैसे टॉपिक शायद छूटे होंगे, बाकी सारे टॉपिक से लगभग क्वेश्चन पूछा गया है। अभी सिलेबस की बात करें तो पूरा ही पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, हिंदी मतलब संपूर्ण हिंदी, जीएस मतलब संपूर्ण जीएस, और रीजनिंग मतलब संपूर्ण जीएस, अभी आपको इतना समझते हुए चलो आगे। अगर हम देखें यहाँ पे तो प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस, जैसा मैंने आपको पहले बताया ही, इससे पूर्व में भी चर्चा कर लिया कि जो पेपर था वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बहुत ही अच्छा पेपर था, अगर मैं बोलूं तो पेपर बैलेंस्ड था, और अभी बोला जाए इस बार कैसे बनेगा तो फिर से समझिएगा इस बार भी पेपर बैलेंस्ड ही बनेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, पिछली बार पेपर बहुत अच्छा मिक्सचर था, किसका, सिंगल फैक्ट क्वेश्चन का और मल्टीपल फैक्ट क्वेश्चन का, बहुत अच्छा मिक्सअप था। इस बार भी आपका मल्टीपल फैक्ट और सिंगल फैक्ट का बहुत अच्छा मिक्सअप पेपर बनने वाला है, यह बात समझते हुए चलना। तीसरी बात, अगर क्वेश्चन की प्रवृत्ति देखा जाए तो यहां पे कॉन्सेप्चुअल ज्यादा था, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा था प्लस फैक्चुअल था, यहां पे भी कॉन्सेप्चुअल ज्यादा ही रहेगा इस बार भी, ये बात समझते हुए चलना, क्योंकि आप कोई भी इधर आप चाहे अधीनस्थ के द्वारा कराए गए किसी भी पेपर का विश्लेषण करोगे तो सभी में आपके क्या पूछे जा रहे हैं, सभी के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर पूछे जा रहे हैं, चाहे वो पीटी से ले लिया जाए और लोअर के मेंस परीक्षा तक देखा जाए, सबसे छोटी परीक्षा से लेकर सबसे उच्च परीक्षा तक देखा जाए, तो सब में कॉन्सेप्चुअल ही प्रवृत्ति रही है, ये बात समझना। लेकिन अगर एक चीज देखा जाए तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, उनका यह कहना था कि पेपर बहुत टफ था, नो डाउट पेपर टफ था, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति थी वो कॉन्सेप्चुअल उन बच्चों के लिए बहुत आसान हो गई थी जो कहीं ना कहीं अपना एक जो पढ़ाई करते हैं वो केवल फैक्ट बेस पे नहीं करते हैं, चीजों को पढ़ते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं। दो चीजें होती है पढ़ाई में, एक चीज आप क्या कर लो एकदम फैक्ट याद कर लो, एक क्या आप उसे कंप्रेहेंशन लेवल पे पढ़ो, मतलब उसे समझते हुए पढ़ो, तो जो समझते हुए पढ़े उनके लिए पेपर आसान था। दूसरी बात एक समझिएगा बहुत ज्यादा जो जरूरी है कि ये जो 14 लाख बच्चे फिर से बैठने वाले हैं,
यहाँ पे आपकी क्वेरीज बहुत ज्यादा आती है कि क्या सर जो फॉर्म भरे थे वही भर पाएंगे या जो एग्जाम दिए थे वही पेपर दे पाएंगे। तो जितने लोग फॉर्म भरे थे वो सभी के सभी लोग पेपर देंगे, एग्जाम से मतलब नहीं है। और नए बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे ये बात भी समझना, सीधा एडमिट कार्ड जारी होगा। ये आपको आशीष सर बताए भी थे वीडियो में, अलग से भी वीडियो आपकी छोटी छोटी बना दी जाएगी, आप उसे देखिएगा, वीडियो की प्लेलिस्ट ही FAQ की बना दी जाएगी। हालांकि 14 लाख बच्चे फिर से अपियर होंगे और इस 14 लाख में जो मेन कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, क्योंकि ये UP SSSC के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा है और UP SSSC जो आयोग है ये अधीनस्थ आयोग है। किसका अधीनस्थ है? उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का अधीनस्थ है, ये बात समझिएगा। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं वो UPSC वाले इसमें है ना, UPSC कौन सी परीक्षा करवाता है ये भी आप जानते हो, कहीं ना कहीं UPSC परीक्षा करवा रहा है, बहुत हर साल करवा रहा है, तो वो बच्चे भी यहां पे आते हैं, पेपर देते हैं और आपका कॉम्पिटिशन यही बढ़ा देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपके में केवल 3 है, एक GS है, एक हिंदी है ना, और GS और हिंदी की बात किया जाए तो UPSC वाले बच्चों की ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो RO की परीक्षा में हिंदी और GS दोनों को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। कहीं ना कहीं UPSC की भी तैयारी करने में हिंदी तो देखते ही देखते हैं और GS उनका कोर रहता है। तो ये जो है UPSC वाले बच्चे कहीं ना कहीं आपको देंगे, है ना, यहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा। एक केवल बचता है रीजनिंग, तो जो एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं, एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करने वाले, जैसे मैं बोलूँ कि SSC के बच्चे हो गए या उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चे हो गए तैयारी करने वाले, या अन्य ऐसे रेलवे के बच्चे हो गए तैयारी करने वाले, वो लोग कहीं ना कहीं भी यहाँ पे ज्यादा संख्या में होते हैं। बट जो कंपटीशन है वो किस लेवल पे आता है? GS और हिंदी लेवल पे आता है। तो एक बात समझिएगा, मैं दोनों बच्चों को समग्र रूप से लेके चल रहा हूँ। अगर आप UPSC के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो मजबूत पॉइंट है वो कहीं ना कहीं कौन सा है? GS और हिंदी है, उसे मजबूत बनाते रहो। और अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करने वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपको क्या करना चाहिए? रीजनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, सोच के बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अच्छा, पिछली बार पेपर देने वाले बच्चे बोले बहुत ही टफ था, तो टफ तो नहीं था, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे इधर वाले बच्चे थे वो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर किए। और कट ऑफ की भी चर्चा करें तो ये कट ऑफ देखो, जनरल का 211 था, OBC का 205 था, 211 मतलब करीबन 105.5 क्वेश्चन है ना, 105 से 106 क्वेश्चन जनरल गया था, यहाँ पे 205 है मतलब कि 102 क्वेश्चन लगभग, 102.5 क्वेश्चन, 198 है मतलब कि कहीं ना कहीं 99 क्वेश्चन। ऐसे ही आप देखो तो 150 में से 100+ क्वेश्चन करने वाले बच्चे कहीं ना कहीं क्या हुए हैं, लीस्ट बच्चा जो है वो कितना पाया है, 105 क्वेश्चन 150 में कर रहा है। तो देखा जाए कट ऑफ लगभग 70% जा रही है, 70% कम नहीं है, बहुत ज्यादा स्कोर होता है। और उस पेपर में जिसमें आप बोल रहे हो कि पेपर बहुत कठिन था, नो डाउट पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, बहुत बैलेंस था, टाइम टेकिंग था, और अभी अगर उसी तरीके से फिर से बन जाए पेपर तो अच्छे अच्छों को पसीना छूट जाएगा, ये बात भी बोल रहा हूं। बट क्या यकीनन कठिन है? क्या यकीनन 70-80% स्कोर करना कठिन है? मैं कोई मुझसे ये बोले तो मैं उसको एकदम डिनाई करूंगा, बोलूंगा नहीं, पेपर में 70-80% लाना बेहद आसान है अगर आपको ये पता हो कि आपको तैयारी किस रूप में करनी है। और इसीलिए मैं ये सेशन की अभी जो आपका UP SSSC वीडियो एग्जाम होने जा रहा है उसकी तैयारी कैसे करें, ये सेशन उसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, सोर्स क्या होनी चाहिए, किताबें, कोचिंग, टेस्ट, ये तमाम कैसे आपको चूज करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करने आए हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर एनालिसिस हम लोग करते हैं तो उसका पेपर कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल का था, और अगर इस वर्ष पे भी अपेक्षा की जाए तो पेपर का स्तर कभी आसान नहीं बनता अगर पूर्व में उसका कठिन बन गया है। लगभग लेवल आपका वैसा ही बनेगा जैसा पिछली परीक्षा में कराया गया है, तो आपको पहले से ही तैयार रहना है। तो आते हैं हम लोग करते हैं कि कैसे तैयारी आपको करनी है वीडियो रेग्जाम की। तो इसकी तैयारी करने के लिए आपके लिए सबसे बड़ा हथियार 3 जो आपके बोर्ड पे मैं लेके आया हूं ये देख सकते हो। एक तो आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, विश्लेषण आपका बहुत जबरदस्त होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए, किसका एनालिसिस करो तो किसका, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर किसका, जो आयोग आपका पेपर कराता आ रहा है, जैसे अधीनस्थ ने पूर्व में 2018-2017 से कितने पेपर कराए हैं अगर आप देखो तो, मंडी परिषद का कराया उसने, युवा विकास का कराया उसने, वीडियो का कराया उसका, अगर देखा जाए तो लोअर का प्री कराया, मेंस कराया,
तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जो अधीनस्थ नहीं कराया है। अधीनस्थ के साथ साथ आप और भी परीक्षाओं को देखो जो सेम एजेंसियां करा रही है। जैसे अभी आप ऑफलाइन का पेपर देखो तो 2015, 2017, 2018, 2016 सब में कहीं ना कहीं टीसीएस को मिला था। 2017-16 तक तो क्या होता था कि जितने भी विभाग होते थे वो बता देते थे कि कौन सी एजेंसी पेपर करा रही है। 2017-18 के बाद बहुत जब लीक का वो आने लगा, पेपर लीक होगा, ये हो गया, तो आयोग ने क्या बोला कि कौन सी एजेंसी करा रही है इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, ये ना बताया जाए कि कौन सी एजेंसी पेपर करा रही है। लेकिन फिर भी ज्यादा जो चांस होते हैं वो टीसीएस ही कराता है। जब टीसीएस कराता है दो ही तीन संस्था होती है, टीसीएस होता है, एनसीआईटी होता है, एक तो संस्था और है ना, जब भी गवर्नमेंट लेवल पे एनटीए वगैरह है तो वो भी अपनी सब्सिडियरी बना लेती है। तो जो ये दोनों तीनों संस्थाएं हैं ये सभी लोग कहीं ना कहीं किसको फॉलो करती हैं, सिलेबस को फॉलो करती हैं। सिलेबस के बाद ये किसको स्टैंडर्ड किताबें किसे लेके चलती हैं, तो वो आपकी एनसीईआरटी लेके चलती हैं। लेकिन एक बात समझिएगा, जितने विषय हैं क्या सबके लिए एनसीईआरटी है? नहीं। क्या रीजनिंग के लिए कोई एनसीईआरटी है? नहीं। क्या हिंदी के लिए कोई एनसीईआरटी है? बिल्कुल नहीं। तो फिर किसके लिए एनसीईआरटी है? जीएस। और जीएस में जितने पार्ट है क्या सभी के लिए एनसीईआरटी है? नहीं। कुछ ही पार्ट है जहां पे परीक्षा बनाते समय जो प्रश्न रखे जाते हैं वो एनसीईआरटी से लिए जाते हैं। जैसे आपका इतिहास हो गया, जैसे आपका अर्थव्यवस्था हो गया, कुछ पार्ट आपके भूगोल के हो गए, थोड़ा सा विज्ञान हो गया, बस। राज्य व्यवस्था के प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रश्न, जनरल जीके के प्रश्न सदैव फैक्ट रहे हैं, आज भी फैक्ट हैं, कल भी फैक्ट रहेंगे और फिर से फैक्ट ही पूछा जाएगा। तो ये आपके विश्लेषण होना चाहिए, आप खुद भी एनालाइज करो। बाकी हम लोग तो है ही हैं, जितनी बार भी हो सकता है, जितने भी लेवल पे हो सकता है। अभी मैं समग्र रूप से आपकी स्ट्रेटजी लेके आया हूं, फिर मैं आपको अलग अलग विषय की, जैसे जीएस की अलग, जीएस में भी इतिहास की अलग, भूगोल की अलग, सबकी अलग अलग रणनीति लेके आऊंगा, क्योंकि 15-20 मिनट में सब कुछ बता देना संभव नहीं होता है। दूसरी बात कि कहां से तैयारी करें, उसके लिए क्या होना चाहिए, सब कुछ बहुत अलग अलग एक एक वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं हो। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। सिलेक्शन ऑफ सोर्स क्या होना चाहिए, इसके हम लोग चर्चा करेंगे कि जब भी आप तैयारी करने बैठते हो, जब भी आप किसी चीज की तैयारी करते हो, तो कहते हैं कि किसी चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले, उससे पहले आधे घंटा एक घंटे का वर्क जो होता है वही मेन होता है। तो आप ये वर्क करो, सिलेक्शन ऑफ सोर्स क्या होना चाहिए, कहां से चीजों को उठाओ। जैसे अभी किताबों की बात करो तो जीएस की बात, अभी बोलो पॉलिटी पढ़ो तो बोल दो लक्ष्मीकांत से पढ़ ले, बिल्कुल नहीं। आप ये देखो कौन सी परीक्षा देखने जा रहे हो और उसमें प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हो, उस आयोग के द्वारा ऐसे लेवल की परीक्षाओं में प्रश्न कहां से बन रहे हैं, आप उसको बहुत अच्छे से विश्लेषण करो, उसकी एनालिसिस करो और उसका सोर्स उठाओ। तो सोर्स के बारे में मैं बताऊंगा अभी आगे स्लाइड पे, एक एक किताब का, एक एक सब्जेक्ट का सब कुछ बताता चलूंगा। और तीसरा होना चाहिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब स्ट्रेटजी केवल एक शब्द नहीं है, स्ट्रेटजी अपने आप में बहुत व्यापक है। स्ट्रेटजी में ही आपका टाइम मैनेजमेंट ही है, स्ट्रेटजी में ही आपका सिलेक्शन ऑफ बुक्स है, स्ट्रेटजी में ही आपका क्या है कि आप पहले क्या पढ़ो बाद में क्या पढ़ो, स्ट्रेटजी में आपका है क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, स्ट्रेटजी में आपका टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए, स्ट्रेटजी में ही आपका टेस्ट किस प्रकार का देना चाहिए, स्ट्रेटजी में ही आपका टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। तो सारी चीजें स्ट्रेटजी के अंतर्गत आ जाती है, तो वो भी एक अलग से ही वीडियो में आपको बता दूंगा। हालांकि ये जो आपका पूरा है, पूरी वीडियो ही एक तरह से स्ट्रेटजी है। तो आते हैं सिलेक्शन ऑफ सोर्स की मैं बात किया था, और अब जो मैं आपको अगला 5 मिनट बताने वाला हूं वो शायद आपके इस परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी एकाग्रता के साथ आप चीजों को सुनिएगा और फॉलो भी करिएगा, क्योंकि पूर्व में भी बताई गई रणनीति बच्चों को बहुत पसंद आई है और बहुत कामगार भी हुई है। बच्चे पेपर देके सीधा आके फोन करते हैं, सर आपने जो बोला था एग्जैक्टली वैसा हुआ, और होता भी यही है। कारण क्या है कि कई बार क्या होता है कि आप टेम्परामेंट नहीं मैनेज कर पाते हो, अपने आप को कूल नहीं कर पाते हो, आप अपने आप को थोड़ा डाउन नहीं ले जा पाते हो, इस कारण से आप छोटी छोटी गलतियां कर देते हो। और याद रखना, सिलेक्शन हमेशा जब रुकता है तो उन छोटी गलतियों के कारण रुकता है, और सिलेक्शन होता भी तो है तो आसान प्रश्नों के कारण ही सिलेक्शन होता है, कठिन प्रश्न कभी सिलेक्शन नहीं करवाते। कठिन प्रश्न एकमात्र आपको परीक्षा से बाहर निकालने के लिए होते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो हम समझते हैं बातों को कि आपके पास जो सोर्सेस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो इधर हम बुक्स की बात करें या कोचिंग की बात करें या नोट्स की बात करें या फिर हम किसी यूट्यूब चैनल की बात करें या किसी की बात करें, समग्र रूप से बहुत ही जेन्युइनली तरीके से मैं आपको ये बताने वाला हूं, ठीक है। आते हैं सबसे पहले हम जीएस, है ना, जीएस संभाग में आते हैं, और जीएस में सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री। अभी हिस्ट्री का, क्योंकि हम वीडियो एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो अगर हम हिस्ट्री को देखें कि पूर्व में जो परीक्षा हुई है 2018 में, है ना, वो उसमें कैसे हिस्ट्री पूछा गया था, तो एक बात समझना, जो हिस्ट्री थी वो टोटली 100% जो थी एनसीईआरटी से पूछी गई थी, 100% एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, और इस बार फिर से हिस्ट्री एनसीईआरटी से ही बनने वाली है, इस बात को समझिएगा।
अब कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी में भी आप किसी से पूछते हो सर एनसीईआरटी क्या पढ़े भैया, एनसीईआरटी क्या पढ़े, वो बोलते हैं भैया 6 से लेकर 12 तक सारी एनसीईआरटी पढ़ डालो। क्या आपके पास इतना समय है 6 से 12 पढ़ने तक? और एक बात समझिएगा, एनसीईआरटी में भी जो चीज आप 6-7 में पढ़ोगे वही 8 में पढ़ोगे, जो चीज आप 9 में पढ़ोगे वही आप 10 में पढ़ोगे, है ना, कहीं 9-10 में पढ़ोगे वही 11-12 में पढ़ोगे। तो अल्टीमेटली वो आपका स्टेप वाइज स्टेप एनसीईआरटी जो होती है आपको 6 से लेकर 12 तक एक ही चीज पढ़ाती रहती है, लेकिन अलग अलग लेवल पे अलग अलग समझ के हिसाब से पढ़ाती है। लेकिन अभी आपको 6 से 12 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मैं तो सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि देखो जितनी भी एनालिसिस होती है जो भी होता है वो पूरी जो टीम परीक्षा प्लस है आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा एनालिसिस लेके आती है, बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करती है, उसके नोट्स बहुत ही जबरदस्त जैसे परीक्षा में पूछते उस हिसाब से बनाया जाता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो सर्वप्रथम अगर आप कहीं से कर सकते हो तो परीक्षा प्लस का ही कंटेंट फॉलो करो। स्टिल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सेल्फ प्रिपरेशन में बिलीव करते हैं, है ना, या कहीं किसी संस्था से नहीं जुड़ते हैं, तो मैं उनके लिए बोलूंगा कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो। और एनसीईआरटी किसकी? क्लास 12th की। 12th में 3 किताबें हैं, 1, 2 और 3 भाग, 3 भाग है, इन तीनों भाग को बहुत अच्छे से पढ़ लो। आपकी UPSC वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो हो चाहे लेखपाल हो चाहे PTO, इवन आपका चाहे समीक्षा अधिकारी हो, इवन आपका UPPCS के प्रारंभिक परीक्षा में भी आपसे यहाँ पे डायरेक्ट इतिहास के प्रश्न मिलेंगे, ये बात समझिएगा। कॉन्सेप्चुअल पेपर बनते हैं, मल्टीपल फैक्ट बेस्ड पेपर बनते हैं हिस्ट्री के संभाग से, वो चाहे आपका एंशियंट हो चाहे मिडिवल हो चाहे आपका मॉडर्न हो, सभी से बहुत कॉन्सेप्ट वाइज स्टेटमेंट वाइज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन केवल इन्हीं 3 किताब से बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीनों किताब मिला लोगे तो 350 पन्ने से ज्यादा नहीं होगा। बाकी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उस पर आधारित प्रश्न दो, और इन सबको एक ही जगह देने के लिए तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप परीक्षा प्लस को ही फॉलो करो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो मेहनत आप करोगे वो मेहनत ऑलरेडी हम लोग कर देते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाता है। एक कोर्स का मतलब यही होता है, टारगेट बैच का मतलब यही होता है कि आप अपनी वो मेहनत जाया मत करो, उसके लिए कहीं ना कहीं मेहनत हम करते हैं, आप चीजों को बस पढ़ने में समय लगाओ, क्योंकि इतनी प्रतिस्पर्धा है पीसीएस वाले बच्चों से, आपकी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन है, तो आपके पास इतना समय नहीं कि आप ही एनालिसिस कर लो बहुत अच्छे से, एक एक चीज देख लो, 50 आयोग हैं उसमें 500 पेपर होते हैं तो सबका एनालिसिस कर पाओ, उसके लिए क्वेश्चन निकाल पाओ, तो वो उतने में ही समय निकल जाएगा, आप तैयारी नहीं कर पाओगे। दूसरी है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए हालांकि एनसीईआरटी सही है, एनसीईआरटी ही पढ़ लोगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी इसमें कहीं ना कहीं ज्योग्राफी थोड़ा फैक्ट बेस होता है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप परीक्षा प्लस के ही नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ लो, है ना, ये मोर देन सफिशिएंट है। जो बच्चे ऑलरेडी जिनके पास नोट्स हैं उसे मल्टीपल टाइम पढ़ो, परीक्षा प्लस के ज्योग्राफी से अच्छे किताब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी नहीं कर सकता जितना जबरदस्त तरीके से, उसमें बहुत ही विद्वत कंसाइज पूरा एनसीईआरटी के फ्रेम और जो रेफरेंस बुक है उनसे समग्र रूप से लेके चीजों को वहां पे दिया गया है, तो ये बहुत ही, फिर भी अगर आप अपने मन से तैयारी करना चाहते हो तो मैं इतना बोलूंगा कि 11th और 12th की एनसीईआरटी, 2 क्लास की आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, और या फिर ना ही भी इतना करना चाहो तो आप लूसेंट ही पढ़ लो, सबसे अच्छी बात है, अगर पास लूसेंट है तो आप लूसेंट ही कवर कर सकते हो, एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो, है ना, थोड़ा सा अगर आप कंज्यूम नहीं कर पाते हो, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चला जाता है, तो लूसेंट ही पढ़ लो, वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। बट केवल लूसेंट पढ़ने से आप ये एक्सपेक्ट करो कि 100% ज्योग्राफी क्वेश्चन कर लोगे, तो मैं उसके लिए डिनाई करूंगा, केवल लूसेंट पढ़ने से नहीं कर पाओगे। थोड़ा इससे अगर हाई लेवल पे जाना चाहते हो तो महेश बर्णवाल की एनसीईआरटी सार है, वो वाली किताब पढ़ो, इतनी मोटी सी किताब है, वो भी केवल इंडियन ज्योग्राफी, बाकी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से मैं बताऊंगा भी ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी केवल है, पॉलिटी आप केवल या तो लूसेंट से पढ़ लो, है ना, अगर खुद से तैयारी करना चाह रहे हो, या फिर इसके लिए भी थोड़ा हाई लेवल इससे जाना चाहते हो तो बर्णवाल पढ़ लो, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप परीक्षा प्लस से जुड़े हो तो इन दोनों को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल परीक्षा प्लस का कंटेंट पढ़ो, वही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्लास नोट्स और उसके बाद आपके टेस्ट। इकोनॉमिक्स ये बहुत अच्छा है, यहां पे समझिएगा, इकोनॉमिक्स 2 बेस पे होता है, 3 बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका क्या बनता है कॉन्सेप्चुअल, इकोनॉमिक्स की बात करूं तो एक आपका क्या बनेगा कॉन्सेप्चुअल बनेगा, कॉन्सेप्ट बेसिस पे बनेगा, एक आपका क्या बनेगा फैक्ट बेसिस पे जो पारंपरिक कन्वेंशनल बनते हैं, और एक आपका क्या होता है करंट बेसिस पे इकोनॉमिक्स बनती है। 3 टाइप के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के बनते हैं, बट अब अगर वीडियो परीक्षा की बात किया जाए तो आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 सबसे ज्यादा पिछले बार भी पूछा गया था, फिर से पूछा जाएगा, और उसके बाद नंबर 1 प्रायोरिटी है, नंबर 2 प्रायोरिटी है। करंट टाइप में नहीं पूछेगा फिर से इकोनॉमिक्स, वो करंट ही पूछेगा, अलग से नहीं पूछेगा, बट इकोनॉमिक्स में 6-7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अगर हम पिछली बार की बात करें तो वीडियो अगर 2018 की बात करें उस पेपर में भी देखा जाए तो पूरी की पूरी क्लास 11
11th के एनसीईआरटी से सारे ही प्रश्न थे, है ना। भारत का आर्थिक विकास, उसमें अलग अलग चैप्टर हैं, जैसे आप पढ़ोगे तो स्वतंत्रता से पूर्व संध्या तक, उसके बाद 1940 से लेकर 1991 तक, फिर 1991 के बाद आर्थिक विकास, गांधी जी के जो उसमें वो रहे हैं, विचार रहे हैं, उससे क्वेश्चन बने हैं, उसके बाद लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्वेश्चन बने हैं, है ना, औद्योगिकरण से। तो ये पूरा का पूरा आप क्लास 11th की एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी में पढ़िएगा इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप माइक्रो मैक्रो आ जाता है, वो बैंकिंग टर्म वगैरह सब कुछ आ जाता है, उससे क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ने से अच्छा है कि आप क्या पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, है ना, लूसेंट पढ़ लो या परीक्षा प्लस के नोट्स पढ़ लो, दोनों में से कोई भी पढ़ लो, लगभग आपका बराबर ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको वीडियो की तैयारी कर रहे हो या अधीनस्थ की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे पीटी हो गया, लेखपाल हो गया, और वीडियो की तैयारी कर रहे हो, तो आप किसकी 11th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लो। और अगर नहीं पढ़ना चाहते हो, नहीं कंज्यूम कर पाते हो, तो आप सबसे ज्यादा बेटर है कि इन सबका कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं परीक्षा प्लस है। और अगर आपके पास परीक्षा प्लस के नोट्स है तो आप कुछ मत पढ़ो, केवल केवल परीक्षा प्लस पढ़ो, मैं इतना आपको बता रहा हूं। उसके बाद आपके लिए क्या है, करंट, करंट आप डेली बेसिस पे पढ़ते चलो, और अंत समय में कहीं ना कहीं आप जो ये आती हैं दृष्टि वगैरह की आती हैं, या फिर एक दृष्टि जो बुक आती है घटना चक्र की, या घटना चक्र की वैसे ही ले आओ जो आपकी मंथली वाली आती है, अर्धवार्षिकांक आती है क्रॉनिकल की, वो आप क्या करो, या फिर घटना सार आती है, इनमें से कोई भी किताब ले लो, वही पढ़ लो, बार बार पढ़ो, करंट हो जाएगा। यूपी के लिए आप जनरल यूपी परीक्षा प्लस के लिए नोट्स बहुत ज्यादा मोर देन सफिशियंट है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पे फैक्ट बेस बनेगा, और जीके ये भी आपका केवल जो परीक्षा प्लस के रामबाण है उससे हो जाएगा। तो सोर्सेज मैं आपको बता दिया हूं, अल्टीमेटली एक थीम देखो, तो थीम अगर बुक्स के नाम पे देखो तो आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना है आपको एनसीईआरटी और आपको परीक्षा प्लस के नोट्स, या फिर अगर आपको बाहर से, मतलब यहां से नहीं तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी और संस्था से जुड़े हो, या आप खुद से तैयारी करना चाह रहे हो, तो मैं यही बोलूंगा कि सबसे बेटर है लूसेंट प्रेफर कर लो, और उसके बाद एक हाई लेवल पे जाना चाह रहे हो तो बर्णवाल को प्रेफर कर लो। लेकिन सभी के लिए नहीं, अलग अलग के लिए, जैसे हिस्ट्री के लिए तो मैं स्ट्रिक्टली हिस्ट्री हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके लिए मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि आपको एनसीईआरटी के आधार पे ही तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, तो इसको आपको फैक्ट बेसिस पे तैयारी करनी चाहिए, या आपके कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से फैक्ट बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका यूपी हो गया, करंट हो गया, जीके हो गया, है ना, साइंस हो गया, ये एक जनरल सी किताब आप बहुत जो आते हैं किसी से भी एकदम फैक्ट फैक्ट बेस या प्रीवियस ईयर ही आप एनालाइज कर लोगे तो वहां से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जीएस का है। दूसरी बात हम बात कर ले हिंदी की, तो हिंदी में वासुदेव नंदन एक अच्छी किताब है, उसे आप फॉलो करो, ठीक है ना। लेकिन बस वासुदेव नंदन में कमी ये है कि वो सारी चीजें ही आपकी देवनागरी लिपि में दे दी, इवन उसके पेज के नंबर भी आप देवनागरी लिपि में देखोगे, तो बच्चों को कंज्यूम करने में दिक्कत होती है। इसी कारण मैं बोलता हूँ कि आप क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करो, है ना, कोर्स चल ही रहा है, बहुत सारे बच्चे उसमें एडमिशन ले ही लिए हैं, रमन सर बहुत विधिवत तरीके से आपको हिंदी पढ़ा ही रहे हैं। उसके बाद आपको परीक्षा प्लस के नोट से बहुत बढ़िया वासुदेव नंदन हो गया, पीएन पांडे हो गया, या फिर आपकी जो अन्य रेफरेंस बुक हो गई, उन सभी का बहुत अच्छा कलेक्शन आपको परीक्षा प्रश्न नोट्स में मिल जाता है। तो आप उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम पढ़ो, और सब पढ़ना है, चाहे वो आपको पत्र लेखन हो, चाहे आपको पूरा, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस ही कवर करना, ये बात समझिएगा। तीसरा आते हैं हम लोग रीजनिंग पे आते हैं, तो रीजनिंग के लिए भाई मैं किसी किताब को नहीं बोलूंगा, आप चाहे सेल्फ स्टडी कर लो या कुछ भी कर लो, मैं तो बस इतना बोलूंगा कि रीजनिंग के लिए केवल परीक्षा प्लस के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, कैसे भी करो, मुझे ये नहीं पता। कारण क्या है कि अधीनस्थ के लिए अगर एक सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आप किसी भी ट्रस्ट कर सकते हो, तो वो परीक्षा प्लस के रीजनिंग के क्वेश्चंस पे कर सकते हो, या ऐसा बोल सकते हो, कई बार बच्चों ने ये बोला है कि लगता है कि आयोग ने परीक्षा प्लस के नोट्स से क्वेश्चन उठा लियो। इस कारण से मैं बार बार बोलूंगा कि रीजनिंग के लिए तुम्हें कहीं नहीं करूंगा, हालांकि ये प्रैक्टिस का विषय है, तमाम एग्जाम है उनके प्रीवियस ईयर ही करा डालो, लेकिन कितना पढ़ोगे आपको पता भी होना चाहिए, क्या करो क्या ना करो। तो एक अलग से हम लोग केवल टॉपिक पे स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाएंगे, बट इतना समझो कि आपके लिए सोर्सेस क्या होना चाहिए, वो चीज मैं आपको बता दिया हूं। क्लासेस के रूप में अगर आप क्लासेस करना चाहते हो तो आपका जहां मर्जी हो वहां जुड़ो, बस एक चीज ध्यान देना कि कौन जिनविन तैयारी आपकी करवा रहा है, किसकी एनालिसिस बहुत अच्छी है, कौन पेपरों को देख रहा है। अभी जैसे मैं बात करूं कि इतिहास में ही एक प्रश्न बना था पिछली बारी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में प्रश्न था
मल्टीपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा था। पहला ऑप्शन दिया हुआ था कि यहाँ पे कपास की खेती सबसे पहले बार की गई। उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे जो अनाज स्टोर किए जाते थे, भंडारण किए जाते थे, वो लकड़ी के बक्सों में किए जाते थे। अब ये एनालिसिस समझिएगा, लकड़ी के बक्सों में आप लूसेंट पढ़ लोगे तो लकड़ी के बक्से की जिक्र नहीं किया गया है। आप कोई भी किताब उठा लो उसमें लकड़ी के बक्सों का जिक्र नहीं किया गया। कहां किया गया? एनसीईआरटी में किया गया। तो वो साफ साफ दिख रहा है कि एनसीईआरटी से उठाया गया। अब जिस कोचिंग को पता होगा कि नहीं भैया प्रश्न कहां से बन रहे हैं, कहां से बन सकते हैं, आप उस कोचिंग से जुड़ो कि ये एनालिसिस इतने डीप लेवल की होनी चाहिए कि एक शब्द को पकड़ ले कि अच्छा इसका सोर्स यहां से है और फिर उसे पेपर यहीं से बनेगा। तो इस हिसाब से आप चलते चलो। जैसे अर्थव्यवस्था में प्रश्न बन गया कि गांधी जी की क्या विचारधारा थी कि जो सर्वोदय विलय सर्वोदय जो वो है उसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन गया, तो ये भी आपके एनसीईआरटी की कक्षा 11 से प्रश्न बन गया। अभी आप अगर और भी देखो रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन देखो तो वहां पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रख लिए गए थे। दूसरी बात रीजनिंग में देखो तो रीजनिंग में भी केवल रीजनिंग नहीं है, जीएस तैयार होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं ना कहीं जीके के क्वेश्चन रीजनिंग में थे, जैसे कुछ पार्ट होते हैं एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ऑड वन आउट हो गया। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बाकियों से अलग है? अब वहां पे क्या दे दिए, वहां पे कई सारे देश के क्या दे दिए, करेंसी दे दिए, तो वो मैचिंग टाइप में दे दिए कि यहाँ की करेंसी यहाँ की करेंसी यहाँ की करेंसी ये है, मुद्रा की बात कर रहे हैं। तो जब आपको वो जीके पता होगा तब आप उसकी रीजनिंग कर पाओगे। वो ऑड वन आउट है तो भले ही वो ऑड वन आउट है रीजनिंग में, बट वो क्वेश्चन कहाँ का है, जीके का क्वेश्चन है। तो ये जिस संस्था के एनालिसिस अच्छी हो वहां से जोड़ो। हालांकि आप, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि टीम परीक्षा प्लस बहुत विधिवत तरीके से अभी सारे पुराने बच्चों के लिए 60% ऑफ पे कोर्स चला रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो है ना, 60% चल रही है, 1000 का कोर्स है री एग्जाम के लिए। और अभी आपको एक या दो दिन केवल ये रहेगा, 399 रुपए की ही इसकी क्या है फीस है। अभी आप इसे परचेज कर सकते हो। कहाँ से परचेज कर सकते हो? ये आप परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लो, डायरेक्ट वहां से आपको जुड़ सकते हो, या live.parikshaplus.org ये लिंक फॉलो कर लो है ना, यहां से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जुड़ सकते हो। उसमें क्या क्या दे रहे हैं ये चीज देख लो। नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार सभी विषयों की वीडियो क्लासेस, रीजनिंग के कठिन स्तर के प्रश्नों पर अभ्यास क्लास, यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए एवं उन पर आधारित जीएस के प्रश्नों का विश्लेषण एवं अभ्यास, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित बुकलेट नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट ऑनलाइन, फुल लेंथ टेस्ट की टेस्ट सीरीज, सभी टेस्ट की व्याख्या की पीडीएफ, विषयवार एवं संपूर्ण सिलेबस रणनीति, व्यक्तिगत मार्गदर्शन एवं समस्या समाधान। तो सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जा रही है। आप देख सकते हो 150 से ज्यादा पीडीएफ है, 250 से ज्यादा लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, 30 से ज्यादा आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल दिए जा रहे हैं। तो एक बहुत ही समग्र रूप से तैयारी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। बस एक चीज समझना, कुछ चीजें मैं आपको अंततः बोलता जाऊंगा, क्या बताऊंगा कि जब आप किसी चीज की तैयारी करते हो तो एक एनालिसिस आप बहुत अच्छा करो। दूसरी बात, परीक्षा के पहले दिन से आप टेम्परामेंट बहुत कूल रखो। दो चीज आपको अडॉप्ट करना अपने अंदर, क्या कि सामने वाला जो बोल रहा है अगर उसका कुछ अनुभव है तो जाहिर सी बात है वो कुछ आपके हित के लिए बोल रहा है। आपको सीखने के लिए थोड़ा डाउन आना पड़ता है और तभी आप सिलेक्शन लोगे। दूसरी बात, 14 लाख फॉर्म पड़े थे तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि 14 लाख के 14 लाख बच्चे फॉर्म एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन पिछली बार 9.5 लाख गए थे, इस बार ऐसा नहीं कि 9.5 लाख से कम हो जाएंगे। बहुत सारे लोग एक बात बता रहे हैं कि इस बार बहुत कम जाएंगे, ऐसा नहीं है। पिछली बार यूपीएसआई की परीक्षा भी एक साथ ही पड़ गई थी, इस कारण से कम हो गए थे। इस बार समझिएगा कि अगर कोई और एग्जाम नहीं हुआ तो पिछली बार से ज्यादा बच्चे इस बार बैठेंगे। कारण क्या है? कारण है कि उन्हें पैटर्न इस बार पता है, उनका कॉन्फिडेंस इस बार हाई है और तैयारी भी पूर्व से ज्यादा है, क्योंकि कंपटीशन उसी लेवल का है। तो हर बच्चा सोचता है कि इस बार शायद चांस ज्यादा है, चलो दिया और ऐसे ऐसे करके में ये इस बार जो परीक्षा देंगे वो 10 से 11 लाख के बीच में बच्चे परीक्षा देने जाएंगे, ये बात आप समझिएगा। फिर भी पोस्ट तो आपकी नहीं बढ़ी है, 1953 ही पोस्ट है, 1950 पोस्ट है, 2000 मोटा मोटा ले लो तो अभी आप इसका परसेंटेज निकाल लो तो 2000 पोस्ट के लिए आपके मान के चलो ज्यादा नहीं केवल 10 लाख बच्चे यहां पे फॉर्म भर रहे हैं। तो आप ये पूरा कट कर दो तो कितना बचेगा, 2/10 यानी कि 1/5 यानी कि 0.2% वैसे ही बोल दो है ना, 0.2% बच्चे ही सेलेक्ट होंगे, मतलब कि 99.8% बच्चे फिर से बाहर होने जा। और ये सत्य है, इसे आप बुरा समझो या अच्छा समझो, बट यही सच्चाई है कि 99.8% बच्चे बाहर हो जाएंगे, केवल 0.2% बच्चे क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। तो भाई अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 0.2% में आना है या फिर 99.8% में आना है।
ये आपको खुद ही डिसाइड करना है, यही आपका। और अगर इसमें आना है 0.2% में आना है तो आपको थोड़ा डाउन जाना पड़ेगा, अपने आप के अंदर सीखने की क्षमता करनी पड़ेगी। जो पूर्व में गलतियां हुई हैं आपसे या आपके सहपाठियों से या आपके जो प्रतिस्पर्धा आपके साथ कर रहे हैं उनसे, उन गलतियों को भी सुधार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, कोई भी पेपर होता है उसमें एक चीज समझिएगा, कितना भी कोई बोल ले पेपर बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था, 30% पेपर हमेशा इजी होते हैं, 40% पेपर मॉडरेट होते हैं, 70% ही होगा। अगर ये 30% पेपर हार्ड आ गया तो पेपर को हार्ड बोला जाता है, और अगर ये 20 से 25% के बीच में ही लाई किया और यहां पे 50% मॉडरेट आ गया तो पेपर मॉडरेट हो जाता है, और वो 20-25% हुआ, ये 40% हुआ, ये 35 से 40% हो गया तो पेपर आसान लेवल का हो जाता है। आप तीनों ही सेगमेंट में देखोगे, अगर इसको केवल जोड़ लिया जाए तो 75 से 80% मार्क्स आपके यही बन जाते हैं। पिछली बार भी कट ऑफ कितना गया था, 211 गया था, तो कट ऑफ कितना, लगभग 70% के आसपास गया था। अभी भी देखा जाए तो कट ऑफ लगभग उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा घटेगा बढ़ेगा नहीं, 70 का 71-72% हो सकता है, या हो सकता है 66-67% हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। कट ऑफ के बारे में चर्चा हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी पेपर आपके सामने आया नहीं है। फिर भी आपके अंदर सबसे ज्यादा कमी क्या होती है, आप किसको देखते हो, आप कट ऑफ देखते हो और कट ऑफ के अकॉर्डिंग क्या करते हो, अपनी तैयारी करते हो। एक बात समझिएगा भाई, किसी भी परीक्षा की तैयारी कट ऑफ देख के नहीं की जाती, टॉपर्स को देख के की जाती है हमेशा, क्योंकि 0.2% वाले वो 1900 के 1900 टॉपर ही कहलाएंगे। आपके अंदर क्या होता है, एक गलत धारणा होती है कि आप केवल 1 से 10 को टॉपर बोलते हो। अरे भाई एक बात बताओ कि अगर 10 लाख बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, 10 लाख बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं तो केवल 10 बच्चे टॉपर होंगे? अरे मैं तो कह रहा हूं कि 1953 के 53 ये सभी टॉपर हैं। अगर लास्ट का 1953वां बच्चा और पहला बच्चा, उन दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, हो सकता है 1953वां बच्चा थोड़ी सी कहीं गलती कर दिया हो, 3-4 क्वेश्चन गलत कर दिया हो तो उसकी रैंक नीचे आ गई हो और कोई पहले पे चला गया हो, ये सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो आपको टॉपर्स लिस्ट में जाना है, ना कि आपको कट ऑफ देखना है। और किसी ने सही कहा है कि भाई जितना ऊंचा लक्ष्य रखोगे उतनी ही ऊंचे या उससे नीचे ही आपकी तीर जाएगी। आप अपना लक्ष्य 215 नंबर पे रख दिए तो आपकी तीर 215 या 215 से नीचे ही आएगी, इससे ऊपर नहीं जानी है। बट अगर आप अपना लक्ष्य 240-250 रख दिए 300 में से, तो हो सकता है आपका 240-250 के नीचे कहीं 235-230-220-212-210 कहीं भी आपका जाएगा और आप सिलेक्शन हो जाओगे। तो आपको ये लक्ष्य रखना है, ना कि ये लक्ष्य रखना है, कट ऑफ को यहीं पे आज ही गोली मारो। और क्या करना है कि आपको टॉपर लिस्ट में आना है, मतलब 1953 में आना है, मतलब कि 0.2% में आना है। और अगर आना है तो ऐसे नहीं आ सकते हो, आपके पास सोर्सेज बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके कोर्सेज बहुत अच्छे होने चाहिए, जिस संस्था से जुड़े वो संस्था बहुत परिपक्व होनी चाहिए, बहुत अनुभवी और बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद फिर आपके पास जो किताबें हैं वो बहुत बेहतरीन, नोट्स बहुत बेहतरीन होने चाहिए, और इन सबके बाद आपकी रणनीति और आपकी दिमाग की परिपक्वता बहुत होनी चाहिए। ऐसा नहीं तैयारी कर रहे हो एकदम गुस्से में आगे किताब उताब फाड़ के फेंक दिए कि अरे चलो नहीं पढ़ने मन कर रहा है, या आज शादी होगी चलो 5 दिन शादी कर लेते, नहीं, निरंतरता, कठिन परिश्रम भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सबके बारे में भी अलग अलग चर्चा करेंगे, बट अभी क्योंकि आपको तैयारी शुरू करनी है तो एकदम से आज से ही मान लीजिए बहुत अच्छा अवसर है। फिर से बार बार नहीं आता है, इस बार आपके पास 70% चीजें डिस्क्लोज्ड है, आसान और मॉडरेट लेवल पे ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। एक बात समझिएगा भाई, हिंदी के अगर 50 क्वेश्चन है, हिंदी के 50 क्वेश्चन है तो जो भी बच्चा सेलेक्टेड होगा वो 45+ ही करके आएगा। अगर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है तो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा 45+ ही करके आएगा, 43 वाले 45 क्वेश्चन ऐसे ही करेगा। केवल पार्ट क्या होता है, जीएस, यही आपका निर्धारण करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और जीएस में भी सारे पार्ट निर्धारण नहीं करते, आपको पता होता है यूपी सब लोग उतना ही करेंगे, आपका करंट लगभग सब लोग उतना ही करते हैं, सेम चीज करंट पढ़ते हैं, हर बार डायनेमिक होती है। आपका जो अन्य पार्ट देखा जाए, पॉलिटी सभी को लगभग तैयार होती है, वही करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, इसमें भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैरी नहीं करता है। तो ये जो पार्ट हुए 6 से 7 क्वेश्चन इसके होते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन इसके होंगे, 6 से 7 क्वेश्चन इसके होंगे, लगभग 6 क्वेश्चन ऐसे इंडियन ज्योग्राफी के भी 6 से 7 क्वेश्चन होंगे। तो 6 त्रिकटा 6 चौक 24, मतलब कि 24 से 25 क्वेश्चन तो सभी लोग करके आएंगे। फिर निर्धारण कौन कर रहे हैं, निर्धारण वो जो नेक्स्ट 24-25 क्वेश्चन है, इन्हीं 24-25 क्वेश्चन में, जैसे आपका क्या हो गया हिस्ट्री, यहां पे एरिया बहुत वास्ट है, इकोनॉमिक्स हो गया है ना, या फिर आपका जीके हो गया, इसमें आप साइंस भी इंक्लूड कर लो, ये भी कॉमन ही होता है। तो लगभग ये 25 से 30 क्वेश्चन, मैं ऐसे मान के चलूंगा 25 से 30 क्वेश्चन तो लगभग सब लोग बच्चे करते ही करते हैं। ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन, यही निर्धारण करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है?
तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान मत हो, इसके लिए मैंने आपको रिसोर्सेज बता ही दिया है। आपको टारगेट ये करना है कि इसमें 45-45 के अप्रॉक्स लेके आओ। अगर मैं कह रहा हूं भाई इधर 100 क्वेश्चन में आप 80 क्वेश्चन भी कर लेते हो, 100 क्वेश्चन में 180 भी क्वेश्चन कर लेते हो, तो 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और कर लो, 35 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसे बहुत ज्यादा मजबूत करो, और उसके बाद ये जो 25-30 वाला पार्ट है ना, इसे 25-30 में इसे करने का प्रयास करो। मैं कह रहा हूं 25-30 में से 25-30 पूरे नहीं सही होंगे, 15-18 क्वेश्चन सही होंगे, तो बाकी इस पार्ट से कर लो। लेकिन आपको यही करना है, 115-120 क्वेश्चन गिरे हालत में आपको सही करना है, और आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो एक सही तरीका आपके पास होना चाहिए। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आपने इतना देखा है तो आपको कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा लाभ मिला होगा। अंततः मैं यही बोलूंगा कि एक बार दोबारा चांस मिला है तो इस चांस को आप गवाओ नहीं, है ना, चांस को गवाओ नहीं। आज ही कोर्स से जुड़ सकते हो, बाद में ये फीस वैसे भी 1000 हो जानी है, तो अभी कम फीस में मुझे नहीं लगता कि 399 रुपए किसी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा होता है। यदि आपका सिलेक्शन निर्धारण हो सकता है, आपको सारे के सारे टेस्ट मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल रहे हैं, तो एक बहुत जबरदस्त तरीके से आप तैयारी करो। बाकी मैं हूं आपके साथ, कदम कदम पे सारी चीजों को मैं आपको कवर कराता चलूंगा। जितनी भी फैकल्टी है बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे, और क्लास में ही, ये तो मैंने केवल समग्र रूप से बोल दिया, आप हर क्लास में एक रणनीति देखोगे, परीक्षा प्लस के टेस्ट के हर प्रश्न में एक रणनीति देखोगे, उसके नोट्स के हर पैराग्राफ में एक रणनीति देखोगे, और यही परीक्षा प्लस को एक अलग ही क्वालिटी, एक अलग ही गुणवत्ता देती है, और यही कारण है कि आपका विश्वास हम पे बना रहता है। उम्मीद है ये विश्वास आपका हम लोग फिर से जीतेंगे, और आप एक बार फिर से सेलेक्ट होगे, और आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एक जो रोल हो सकता है वो हमारा भी होगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आज ही से जुट जाइए, ठान लीजिए कि 1953 में से एक सीट आपकी है, और होगी भी। धन्यवाद।